वहीं दिल्ली से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। 3 से 4 बड़े मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई, जिसमें जीएसटी के 1375 करोड़ रुपए को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। इसके अलावा कोयले की आपूर्ति से जुड़े मसले पर भी दोनों के बीच बातचीत हुई। SECL से अनुबंध करने की मांग मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने रखी। तो बता दें कि कल जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने कई विषयों पर चर्चा करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था 2-3 मुद्दे हैं जो मैं प्रधानमंत्री जी के सामने रखूंगा। ऐसे में आज दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें कोयला की आपूर्ति हो, GST हो या फिर रेलवे की लगातार ट्रेनों के रद्द करने की प्रक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो हमारी GST के जो पैसा रुका हुआ है 1300 करोड़ से अधिक की राशि, दूसरा कोयले की रॉयल्टी में जो पेनाल्टी लगा है 4170 करोड़, और तीसरा जो रेलवे जो पैसेंजर ट्रेन है बार बार बंद हो जाती है, तो कम से कम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आगे ना हो भाई सुनना हो, और चौथी बात यह है कि हमारे जो उद्योगपति हैं पहले SECL से कोयला मिलता था, अब वो बंद कर दिया गया तो उद्योग संचालन करने में परेशानी होती है। तो ये 4 बड़े मुद्दे थे जिसके बारे में मैंने चर्चा की। बस्तर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मैंने दी, नक्सली किस प्रकार से पीछे हट रहे हैं और बस्तर के लोगों में जीवन में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है उसके बारे में।